करके यथा व्यवस्था जहाँ जहाँ पर सुविधा है उन सभाओं में रखना, उनकी सुनिश्चित व्यवस्था करना, समय समय पर उनकी देखभाल करना। जिहादियों से क्या तात्पर्य है आपका, किन लोगों को आप जिहादियों में मानते हैं? देखिए जिहादियों का घर सीधे सीधा सा हमको कहा जाता है, जिहादियों का आप देख लीजिए तो एक लफ जिहाद चल रहा है, ये केवल एक षड्यंत्र है, हिंदुत्व को कुठाराघात पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और तो हम तो ये कहते हैं कि जितने भी जिहादी हैं और सनातन धर्म को कुठाराघात पहुँचाने का कार्य करेंगे, उन जिहादियों को हम खत्म करने का कार्य करते हैं। और बहुत ही जल्दी आने वाले समय में जितने भी जिहादी उभर कर के आ रहे हैं या सनातन धर्म को ठेस पहुंचा रहे हैं, लव जिहाद जैसा इन्होंने डंडा जला रखा है, इस लव जिहाद को और लव जिहादियों को भी हम जड़ से खत्म कर देंगे। क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा सिखाया गया है कि हम दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं, और हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा करके देखता है तो हम उसका सर कलम करने की भी क्षमता रखते हैं। लव जिहाद पे कानून की भी बात सामने आई है, उससे क्या कहना है आपका? नहीं, कानून सामने नहीं आई है, लव जिहाद कानून बनेगा और बन करके रहेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि बहुत से जल्द बने। हमारा केंद्र सरकार से भी आग्रह है, जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा 29 तारीख से पार्लियामेंट लग रहा है, तो हम तो केंद्र सरकार से माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे